खरगोन में शनिवार को शासकीय उच्चतर हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल में आयोजित मैं हूं अभिमन्यु जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आयोजित नाट्य मंचन से समाज बेनशा दहेज प्रथा बेटी बेटा बेटी में फर्क जैसी कुरूतियां दूर हो कुछ इस तरह का संदेश दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए SP धर्मवीर मीणा ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से संवाद करते हुए अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम की विशेषता रही कि SP ने मंच से नहीं बल्कि विद्यार्थियों के बीच में पहुंचकर उनसे चर्चा करी, उनके भविष्य को लेकर तैयारियों को जाना। SP ने कहा कि सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने ना दे जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। अपने सपने को पूरा करने के लिए सभी संघर्ष करते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो लगातार परिश्रम करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अभिमन्यु बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप सब अभिमन्यु बने इसकी शपथ लें। DSP वर्षा सोलंकी, SDOP राकेश आर्य, थाना प्रभारी DS सोलंकी, प्राचार्य राहुल पाध्ये आदि लोग मौजूद रहे। कई कदर कई हुई तो हम लोग कई मुँह दिखावांगा। आप हर बार ही ऐसा करती है, रुकिए मैं अभी भैया से बात करती हूँ। भैया, ओ भैया, अपनी माँ जी की बात सुनी, माँ क्या कह रही है? ये इतनी रात को कहाँ जा रही? माँ, भैया मैं तो अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, माँ मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देती। मैं भी माँ जी से बात करता हूँ, तुम अंदर जाओ। ठीक है माँ जी, अगर बाहर जाने से रोकना है तो लड़कों को रोकिए, अगर लड़के ही बाहर ना जाएंगे तो लड़की अपने आप सुरक्षित रहेगी। वैसे भी मेरी बहन अपनी रक्षा करना जानती है। बेटा, धरी बात सही छे, लेकिन अभी बाहर कसा कसा काम होगा, इसलिए हम बोल रही थी। ठीक है माँ जी, माँ जी की बात सुनी, माँ जी क्या कह रही थी? हाँ बहन, आप भी क्या दहेज लेकर शादी करोगे? मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरी शादी भी क्या दहेज लेने वाले लोगों से करोगे? नहीं बहन, ऐसा नहीं होगा, मैं अभी पिताजी से बात करता हूँ। ठीक है पिताजी। ओ पिताजी। हाँ बेटा, क्या हुआ? आपने माँ जी की बात सुनी? आई को नहीं मानेगा बेटा। माँ जी बोल रही थी तू पढ़ी लिखी लड़की से शादी मत करना, तूने अनपढ़ लड़की से शादी करना। अरे काय म्हणजे बेटा, मैं बिकाऊ थोड़ी ना हूँ, मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा जो मेरा मेंटल लेवल की हो और मेरे बच्चों को पढ़ा सके। अच्छा कि तूने पढ़ी लिखी लड़की से शादी करी? बेटा तू तो सही थो, हम तो गलत थी। अच्छा हो कि पढ़ी लिखी ने शादी करी जो घर भी संभाल रहे और धरी मदद भी कर रहे। जी पिताजी। बेटी, मैं शुगर की दवाई खत्म ही गई। जी पिताजी, मैं आपकी दवाई अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ये लीजिए पिताजी, मैंने आपकी दवाई ऑर्डर कर दी है। बेटी कब तक ही आएगा? जल्दी ही आ जाएगी पिताजी। हाँ ठीक है बेटा। भी पूरे जिला स्तर पे सभी थाना और चौकियों में पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अभिमन्यु चलाया जा रहा है और हमारे सभी अधिकारी, हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी स्कूलों में, हॉस्टलों में, सार्वजनिक स्थलों पे जाकर बच्चों को या वरिष्ठ नागरिकों को, सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें नशा मुक्ति की ओर अग्रसर होना है, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना समाज में व्याप्त हो और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको महिला और पुरुषों के प्रति परस्पर सम्मान की भावना का विकास करना है। साथ ही साथ जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए अग्रसर होना है। हमारे समाज में जो दहेज प्रथा या बाल विवाह जैसी प्रथाएं विद्यमान हैं उनको किस प्रकार से मिटाया जा सकता है जिससे कि हमारे समाज को प्रगति के पथ पर आगे लाया जा सकता है, इन सभी उद्देश्यों के चलते ऑपरेशन अभिमन्यु चलाया जा रहा है और आने वाले समय में ये जितने ज़्यादा जागरूकता कार्यक्रम होंगे उतना ही अच्छा समाज हमारा जागरूक होगा और समाज हमारा विकास की ओर आगे बढ़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।